ड्रॉपआउट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। अधीर रंजन जी ने उसको कोट किया, अभी लेटेस्ट सभी ने कोट किया कि 5 साल के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इतने लोग बाहर चले गए। ये स्टैटिस्टिक्स सही है लेकिन ये अर्ध सत्य है, सत्य है लेकिन इसकी बेस को तो थोड़ा हिसाब करोगे। जिस वर्ग से ये लोग आते हैं इनकी सभी की जिंदगी में, यहां भी कई माननीय सदस्य हैं, उनको अगर पढ़ाई पूरा करना होता तो उन्हीं में से कुछ लोग नोबेल तक पहुंचते, लेकिन सामाजिक आवश्यकता उनकी जैसे है, घर की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, खुद की आवश्यकता, उनको पढ़ाई पूरा करने के लिए संभव नहीं होता है। उनको कोई व्यक्ति को हम पहला मिला भुवनेश्वर IIT में एडमिशन, फर्स्ट राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया, बाद में उसको फाइनली मिल गया IIC बेंगलुरु में। जब वो भुवनेश्वर IIT छोड़ के IIC बेंगलुरु जाता है तो रिकॉर्ड में भुवनेश्वर IIT से ड्रॉप आउट होता है। PhD किया है। हमने पिछले दिनों में जब अध्यापकों की नियुक्ति का मुहिम चलाई, पहले असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए PhD अनिवार्य हमने रख, पहले से नियम था, हमने देखा कि इसमें से SC ST वर्ग की लोग अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमने उस अनिवार्यता को, उस कंपल्सन को हटा के सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट ही एलिजिबल है। तो जो PhD कर रहे थे वो छोड़ के फिर ज्वाइन कर गए, तो ऐसे सारे लोगों का तो ड्रॉपआउट दिखेगा ना। 5 साल में जो नंबर आपने दिखाई है उसको ये सत्य नहीं है कि ये लोग पढ़ाई छोड़ के चले गए। जिसको आदरणीय निशिकांत जी ने उसको अध्ययन करके आपके सामने रखा है कि ये अदर ऑप्शंस के लिए और दूसरे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या परिवार की और कुछ कष्ट है, उस कष्ट को मैं स्वीकार करता हूं, उस कष्ट के लिए बाहर गए। अगर अभी मैं एनरोलमेंट की बात कहूं, कई मित्रों ने पूछा उसको कि एनरोलमेंट की क्या है, और मेरे मित्र सप्तगिरी जी ने अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की विद्यार्थियों के बारे में कहा और कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ट्राइबल विद्यार्थियों के बारे में कहा। अगर पहले मैं उस दो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा उत्तर दूं, मेरे मित्र सप्तगिरी जी, शायद आप की तथ्य पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। मेरे पास जो पिछले 5 साल की तथ्य है उसमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी 8% से नीचे ट्राइबल स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूशन में नहीं है। सब समय में 7.9, 11.15, 9.44, 9.34। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से ST स्टूडेंट की रिजर्वेशन नंबर है 7.5। रिजर्वेशन कैटेगरी से ज़्यादा विद्यार्थी कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ते हैं। बाकी रहा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बारे में, अमरकंटक में एट एनी गिवेन ईयर 13-15% से कम ट्राइबल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ये जो एक धारणा है कि आज भी कई सदस्यों ने चर्चा किया, ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा यानी वहाँ केवल ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी। ट्राइबल इलाका में होगा, ट्राइबल विषयों पर चर्चा होगा, ट्राइबल चैलेंजेस के बारे में चर्चा होगा, और भारत की संविधानिक व्यवस्था में जितना ट्राइबल रिजर्वेशन है उतने विद्यार्थी पढ़ेंगे। आज तो उस इंस्टीट्यूशन में उससे ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये तथ्य शायद पर्याप्त सप्तगिरी जी के पास नहीं है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज देश में मैं अध्यक्ष जी दो बेस लाइन पे आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सेवा करने का 2014 में अवसर मिला, तब देश में एब्सोल्यूट नंबर में उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 3,42,00,000 विद्यार्थी थे, 3,42,00,000। ये आज बढ़ के, ये GER तब 23% होता था, उस आयु की बच्चों के अंदर ये 23% होता था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 23% होता था। इसी साल यानी 21-22 जहां की लेटेस्ट सर्वे की, जो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे की स्टैटिस्टिक्स आइस की हमारी हाथ में है, 21-22 की सर्वे के हिसाब से ये बढ़ के 28% हुआ है, 23 से 28% हुआ है, और एब्सोल्यूट नंबर में, 4,32,00,000। और इसकी ग्रोथ को अगर आपके सामने मैं विनम्रता के साथ रखूंगा, चिंता की कोई कारण नहीं है, मैं पहले फिर आऊंगा SC ST OBC में। आज भारत में नई यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, नई कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, उसके कारण नए नए कोर्सेज खुल रहे हैं।
पहले हमारे वहां एआई में अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं थी, पहले हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मिलकर ज्वाइंट कोलाबोरेटिव कोर्स नहीं चलाते थे। आज कई सारे भारत की स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के नया कोलाबोरेटिव इंस्टीट्यूशन चलाने का कारण देश की विद्यार्थी देश में पढ़ता है। इसके कारण देश में लगभग 26.5% ग्रोथ 14 से 21-22 तक, 23 के हिसाब आना बाकी है, ये और थोड़ा बढ़ेगा। विशेष करके महिलाओं में आदरणीय सुप्रिया ताई ने महिलाओं के बारे में अच्छी चिंता की, मैं उस चिंता को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं 14 और 21 22 की कंपैरिजन देता हूं। 14 में जितने महिला पढ़ते थे, छात्रा पढ़ते थे, उस तुलना में आज 31.6% ज्यादा पढ़ रहे हैं। यह सरकार की उपलब्धि है। अगर मैं एसटी को पहले आवाज, एसटी की चर्चा हो रही है, एसटी की टोटल ग्रोथ में 65.2% ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ एसटी की हुई है। और उसमें माननीय मंत्री जी, अगर सदन की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब और विधेयक पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।